दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, जो भी एजेंट आपके घर पे आता है सभी फर्जी एजेंट्स होता है, सभी रिकवरी एजेंट्स फर्जी है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों को देखने के बाद आप लोग शौक रह जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों, जो भी एजेंट्स आता है वो कोई कंपनी भेजता ही नहीं है आप लोगों के पास। कंपनी खुद बोल रहा है अभी यहाँ पर कि भाई हमने इस तरीके का एजेंट भेजा ही नहीं है कभी भी। तो यहाँ पर आप लोगों को लाइव एग्जांपल के थ्रू लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कौन सा कंपनी ऐसा बोल रहा है जो कि यहाँ पर मतलब वो लोग बोल रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि भाई हमने कोई एजेंट भेजा ही नहीं था। किसी भी बोरोवर के घर पे इस तरीके का एजेंट नहीं भेजते हैं हम लोग। तो आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसा प्रूफ दिखाने वाला हूं जो कि आप लोग देखने के बाद शौक रह जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर चलता हूं और आप लोगों को वो प्रूफ दिखाता हूं जो कि मुझे मिला है ट्विटर की तरफ से। जी हां दोस्तों, वहां पर कंपनी ने खुद यहां पर मेंशन किया है और वो मेंशन क्या किया है वो आप लोगों को दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है, एक जो बंदा है वहां पर ट्वीट किया था आरबीआई को, साथ ही साथ जो है उधारी मधुमक्खी को भी ट्वीट किया था और वहाँ पर मेंशन किया था, एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो भी एजेंट फर्जी तरीके से वो लिखता है, धमकी देता है, गंदा गाली देता है, उसका एक वीडियो बनाकर छोड़ दिया। तुरंत उसके नीचे जो है रिप्लाई आया है हमारे उधारी मधुमक्खी का, इंस्टेंट रिप्लाई मिला है। उसमें ये मेंशन किया हुआ है, डियर कस्टमर, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर आरबीआई के कोई भी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया है। हम ऐसे बैड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करते हैं, हम लोग इसको अप्लाई ही नहीं करते हैं, ऐसे बैड प्रैक्टिसेस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जो भी एजेंट्स है वो फुल्ली ट्रेंड होता है, ऐसा कोई बर्ताव कर ही नहीं सकता ऐसा जो है यहाँ पर बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी एजेंट्स आपके पास आ रहे हैं या फिर जो भी एजेंट आपको फ़ोन कर रहे हैं गलदा गाली दे रहे हैं, मतलब क्या है, वो फर्जी है, वो लोन एप्लीकेशन आप लोगों को मतलब वो लोन एप्लीकेशन जो है वो नहीं भेज रहे उन लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि आप लोगों को एक कहावत पता होगा कि भाई हाथी का दांत खाने का एक होता है, दिखाने का एक अलग होता है। तो सेम यहाँ पर अगर आप कोई भी कंप्लेंट डालते हो आरबीआई को टैग करके, वहाँ पर क्या होता है, कंपनी का रेपुटेशन का सवाल होता है। ट्विटर में जाके वहाँ पर अगर कोई भी कंप्लेंट करता है आरबीआई तो देख ही लेता है, साथ ही साथ लोग भी देखते हैं, साथ ही साथ क्या होता है उनका रेपुटेशन ख़राब होता है कि भाई कोई ख़राब कर रहा है हमारा रेपुटेशन। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें कर रहा है उसको डिनाई कर रहा है सिंपल तरीके से कि हमने ऐसा कोई भी बैड प्रैक्टिसेस किया ही नहीं है, ऐसा बैड प्रैक्टिसेस हम कर ही नहीं सकते, हम आरबीआई का जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं, ऐसा जो है वो लोग बोल रहे हैं। तो फिर ये गाइडलाइंस अगर फॉलो कर रहा है तो ये एजेंट्स कहाँ से आ रहा है, ये एजेंट्स जो भी गाली गलौज कर रहे हैं, जो भी गंदा चीज़ें कर रहे हैं, जो आपका फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करके उनको फ़ोन कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उनको डिटेल्स कैसे मिल रहा है। आपने तो लोन लेने के टाइम में कहाँ पर डिटेल्स दिया था, आप लोगों को पता होगा, आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था उसी में सर्वर में लोड किया होगा, वो डिटेल्स उन लोगों के पास क्यों चला गया, कैसे चला गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि उनके पास ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर जो भी लोन का डिटेल्स उनके पास कैसे जा रहा है, जो कि फ़ोन करके लोगों को गाली दे रहा है, गंदा चीज़ें कर रहा है। अगर ये लोग सभी बैड प्रैक्टिसेस नहीं ये इस्तेमाल करते, सभी जो भी है फॉलो करते रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस का उल्लंघन ये जो कर रहे एजेंट्स, ये कैसे कर रहे हैं, इनको डेटा मिल कहाँ से रहा है। या तो ये फर्जी है, या तो यहाँ पर हमारे जो भी उधारी मधुमक्खी बोलिए या फिर जो भी लोन एप्लीकेशंस बोलिए, ये गलत जो है बोल रहे हैं या फिर जो है झूठ बोल रहे हैं, सिंपल वे में झूठ बोल रहे हैं, ताकि इन लोगों के ऊपर जो भी है पेनल्टी ना लगे, क्योंकि आरबीआई को टैग किया है। अब ये सब चीज़ें जाएगा तो आरबीआई उनके ऊपर एक्शन लेगा, तो ये लोग बोलेगा कि हमने ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जो भी एजेंट आ रहा है उसके पीछे कोई भी नहीं है, मतलब भेज वो लोग रहा है, लेकिन अगर कुछ करते हो आप, कोई एक्शन नहीं लेगा आप लोगों के ऊपर, कोई भी एनबीएफसी उन लोगों को बचाने नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर एनबीएफसी बोल रहा है भाई हमें नहीं पता, वो अपना खुद का बचा रहे हैं, बोल रहे भाड़ में जा भाई एजेंट, मुझे देखना नहीं है, मेरा खुद का बचा रहा है, वही मैं ये कर रहा हूँ। एजेंट को सिर्फ पैसा देके एक भाड़े में एक भाड़ा जो है गुंडा रखा है, आप लोगों को सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। गुंडा अगर कुछ करता है तो वो अलग है, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको पैसा मिल रहा है वो उसका बात खत्म। तो यहाँ पर अगर कोई भी एजेंट आपके पास आता है, आरबीआई का गाइडलाइंस है वहाँ पर, आरबीआई का गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं करता है, तो आप लोग अपना खुद से उन लोगों से आप लोग अपना बदला ले सकते हो कुछ भी तरीके से। सिर्फ आप लोग उनको हाथ मत उठाइए, वो जो भी है फिजिकल अगर हो जाता है, अगर आप हो जाते हो उनको मार दो, मारपीट कर देते हो, तो उसमें जो है गलत हो जाएगा, लेकिन आप लोग डरना बंद कर दो।
क्योंकि एनबीएफसी बोलिए, कोई भी बैंक बोलिए, वो डिनाई खुद कर रहा है भाई ये हमारा एजेंट है ही नहीं। तो आप लोग डर क्यों रहे हो भाई? वो कौन होता है ऐसा चीज़ करने वाला? आप लोग वो गाली दे रहा है वो कौन होता है? आपके घर पे आ गया आपको गाली दे रहा है, आपने तो एजेंट का पैसा नहीं लिया है। अब कंपनी बोल रहे है वो कोई होता ही नहीं है हमारा, कोई कोई भी नहीं लगता, वो हमारा एजेंट ही नहीं है, वो डिनाई कर रहे हैं। मतलब पैसा तो आपने कंपनी का लिया है, तो आप बीच में इधर आके क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम ही नहीं है यहाँ पर कुछ। तो यहाँ पर आप लोगों को डरना बिल्कुल भी बंद कर देना है एजेंट से, एजेंट से डरना बंद करना है। सिर्फ इसके लिए नहीं है, आरबीआई का गाइडलाइंस भी है कि आप लोगों के ऊपर टोटली खुला छूट दे दिया है आरबीआई ने। आप लोगों को कुछ भी डरना नहीं है, कुछ भी गलत चीज़ सोचना नहीं है, कुछ भी होगा नहीं आप लोगों के साथ। बस आप लोग अपना जो भी है, आप लोग मन जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप लोग इससे बात करते हुए आप लोग इससे डरिएगा मत, देखिएगा वो लोग कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? जितना डर दिखाओगे वो डराएगा, आप लोगों को लूटता जाएगा, ठीक है? आप लोग निकल नहीं पाओगे इससे। लेकिन एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, डर कम कर दीजिए, आप लोग देखिएगा डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, 110% गारंटी मेरा है। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।